आज हमें चैटरिंग के बारे में कुछ आपको टिप्स बताएंगे। ये यूट्यूब चैनल के हमारे साथी हैं, वो आए हुए हैं, वो हमारे से कुछ इस शटरिंग कारपेंटर के बारे में और शटरिंग के बारे में कुछ पूछेंगे और इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होगा ये हम फैब्रिकेशन कर रहे हैं एक शटर की, जो ओपनिंग में आएगा, एक दिखाते हैं इस शटर के लिए आएगा, शटरिंग के लिए शटरिंग करेंगे इसकी, तो उसके बाद इसको फिक्स करने के बाद इसकी कंक्रीट होगा। औजार इस्तेमाल करने के लिए खास करके शटरिंग में होते हैं, उसमें ये गिप्सो होता है, सर्कुलर होता है, और मेटर और दूसरी चीज़ें जो होती हैं, हैम्बर होता है, ये हैम्बर है, हैम्बर इस्तेमाल किया जाता है, और सेफ्टी ग्लास को बिल्कुल तो सेफ्टी ग्लास इस्तेमाल किया जाता है। और नाजरीन इसके बाद आपको बताएंगे हमारे पास ये कारपेंटर है, सीनियर है, इनको तकरीबन 10-15 साल से ये अरब कंट्री में काम कर रहे हैं, तो ये आप मेरे साथ ये चार्जर्ड है और ये आपको बताएंगे कुछ हमारी जो स्लेब के सिलसिले में जो हमारी शटरिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो इस मटेरियल में इस्तेमाल की जाती है। हमारे पास जो इस्तेमाल किया जाता है शटरिंग के लिए, स्लेब के लिए बिल्कुल वो RMD का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, थर्ड पार्टी का RMD जो होता है, RMD जो होती है हमारे पास वो थर्ड पार्टी होती है, वो हमें वो मटेरियल मिल जाता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो हम जब ये शटरिंग पूरा कर लेते हैं उसके बाद वो आके चेक करके ओके करते हैं, उसके बाद हम इसकी कंपनी बोलता है ठीक है ना, एक दिन को एक मिनट रुकना, ये स्टैंडर है, पवन सिंह है, DTF सिला है, इसी का टेबलिंग वाला ताकत करके इसको स्लैब बनाता है ठीक है ना, उसके बाद इसको कंक्रीटिंग करके कंक्रीट हो जाता है ठीक है ना। इसके बाकायदा एक एक लेवल में होता है, इसके लाइन में वगैरह सारा एक हाथ पहले चेक करते हैं कंक्रीट से, पहले टेबल खड़ा कर लेते हैं, हाँ सुबह स्लिंग लगा तो उसके बाद हम लोग GTS लगा के क्लिप मार के उसको प्लाई लगा, वो सर्वेयर से चेक करते हैं जी सर, बराबर 5 मिनट उसके बाद कंक्रीट करोगे। इसमें चूड़ी होती है, जितना उठाना होता है उठा सकते हैं, इसको टेंडर बोलते हैं, टेंडर होता है, ये 3 मीटर का, 2 मीटर का, 2.5 मीटर का मुख्तलिफ साइज होते हैं, उसके बाद ये होती है विंडो जो इसको